लखनऊ से है, जहां पर छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर है। बता दें कि छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर है। लक्ष्मण मेला मैदान का मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया है, तो छठ पूजा को लेकर निरीक्षण किया गया है। मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया है, LDA VC नगर आयुक्त भी उनके साथ मौजूद रहे। तो खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छठ पूजा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और इसको लेकर आज निरीक्षण भी किया गया है। लक्ष्मण मेला मैदान का मंडलायुक्त ने आज निरीक्षण किया है। LDA VC नगर आयुक्त भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो हाल ही में छठ पर्व आने वाला है, जिसको लेकर तैयारियों का आज जायजा लिया गया है। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और आज इसी को लेकर निरीक्षण भी किया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर विधायक आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल टंडन का निधन हो गया है। पार्थिव शरीर को लाया गया BJP प्रदेश मुख्यालय, तो उनके पार्थिव शरीर को BJP प्रदेश मुख्यालय पर लाया गया है। अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे कार्यकर्ता और समर्थक। बता दें कि अंतिम दर्शन करने के लिए उनके कार्यकर्ता और समर्थक BJP मुख्यालय पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अंतिम दर्शन किए। भाजपा मुख्यालय से निकलकर पार्थिव शव आवास के लिए रवाना हो गया है। लखनऊ पूर्वी से विधायक आशुतोष टंडन पूर्व मंत्री भी थे। ATS को मिली बड़ी सफलता। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर ATS को बड़ी सफलता मिली है। घुसपैठ कराने वाले दो बांग्लादेशी गिरफ्तार हो गए हैं। बता दें कि ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। घुसपैठ कराने वाले दो बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत बांग्लादेशी सीमा से कराते थे घुसपैठ। बता दें कि भारत में प्रवेश के बाद बनवाते थे फर्जी दस्तावेज। तो UP ATS को बड़ी कामयाबी मिली। आदिलुर रहमान और अबू हुरैरा गिरफ्तार कर लिए गए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को देते थे बढ़ावा। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों पर हुई है गिरफ्तारी। UPSCF ने 3 चार्टर चोरों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मोबाइल टावर की बैटरी समेत कई सामान किए थे चोरी, जिसके बाद अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोगों से ठगी कर उड़ाते थे माल। बताया जा रहा है कि लोगों से ठगी करते थे। SF ने तीनों को मेरठ से गिरफ्तार किया है। बैटरी समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन तीनों चोरों को। UPSCF ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल टावर की बैटरी समेत कई सामान किए थे चोरी। बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर की बैटरी समेत और अन्य कई सामान चोरी किए थे। लोगों से ठगी कर उड़ाते थे माल। बताया जा रहा है कि लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे, उसे लूटपाट करते थे। SF ने तीनों को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। CM योगी पहुंचे आशुतोष टंडन के आवास पर। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशुतोष टंडन के आवास पर पहुंचे, शोकाकुल परिवार को बधाया ढांढस। आज सुबह हुआ था आशुतोष टंडन का निधन। बता दें कि आज सुबह ही आशुतोष टंडन का निधन हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। लखनऊ पूर्वी से विधायक थे आशुतोष टंडन। योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं टंडन। बताया जा रहा है कि योगी सरकार में भी आशुतोष टंडन मंत्री रह चुके हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार बस पलटी है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर कानपुर में देखने को मिला है। बस में सवार आधा दर्जन लोग मामूली घायल हो गए हैं। इसे रायपुर की तरफ जा रही थी बस। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बताना, जहां पर एक बस हादसे का शिकार हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हाईवे किनारे खड़े होने से होते हैं हादसे। खबर कानपुर से है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सचिंडी थाना क्षेत्र के किसान नगर के पास ये घटना बताई जा रही है।